तदयं संक्षेपः क्षणद्वयं लभ प्रोक्तो निमेषस्तो लभत्रयं त्रयाणांत निमेषानां कक्षेत्य विधीयते पंचदश निमेषाश्च काष्टास्त्रिंशत्ताः कला त्रिंशत् कला मुहूर्त स्यात् त्रिंशद् रात्र्यः नीचते अहोरात्रा पंचदश पक्षो मासस्तु तावुभौ ऋतुर्मासद्वयं प्रोक्त मयनन्तो ऋतुत्रयम् अयनद्वितयं वर्षो मानुषोऽयमुदाहृतः एष देवस्तहोरात्रस्तहि पक्षादि च पूर्ववत् दैववर्षसहस्राणि द्वादशैव चतुर्युगं युगानां सप्ततिसैका मन्वन्त्रमिहोच्यते कृताब्दसंख्या तस्यान्ते संधि प्रोक्तो जलप्लवः ससन्दयस्ते मनवकल्पे ज्येयाश्चतुर्दश चतुर्युग सहस्रन्दो ब्रह्मणो दिनमुच्यते रात्रिश्चैतावती तस्य ताभ्यां पक्षादिकल्पना ब्रह्मणशतवर्षाणि महाविष्णोरः स्मृतं तस्य वर्षशतान्ते ही महाप्रलय उच्यते। ये सब जो है स्वामीनारायण संप्रदाय के अनुसार ये कृष्णवल्लभाचार्य का बनाए हुआ वेदांत सार में, तो उनके मत के पौराणिक सिद्धांत पूरा इसमें मिलता जुलता नहीं, थोड़ा फर्क है। क्षणद्वय एक लव होता है और तीन लव एक निमेश होता है, और तीन निमेश एक कक्ष कहा जाता है, और पंद्रह निमेश एक काष्ठा होती है, और तीस काष्ठाओं का एक कला, और तीस कलाएँ एक मुहूर्त, और तीस जो मुहूर्त है एक दिन रात, रात्रि नहीं, देखो मिला के बोलते नहीं सर, रात्रि नहीं, 24 घंटा 30 मुहूर्त अहोरात्रा पंचदश दिन रात जो कुल मिला के 15 जो होते वो पक्ष हो, और तव भव दो पक्ष का मास है, और ऋतुर्मासद्वयं मासद्वय ऋतु हुआ प्रोक्तम अयनन्तु ऋतुत्रयं, ऋतुत्रय का नाम एक अयन हो जाता है, और अयन द्वितीयं वर्ष यह मनुष्य उदारता मनुष्य का एक वर्ष स्तर से गिना जाता है, और उसमें से एष दैवस्तहो रात्रः तई पक्षादि च पूर्वतो, मनुष्यों का एक साल जो है देवताओं का एक दिन है, हमारे एक साल देवताओं का एक 24 घंटे के बराबर है। ये कार्य एष दैवस्तु अहोरात्र जो मनुष्यों का एक वर्ष है देवदार, तो वह देवताओं का एक अहोरात्र है, उसी हिसाब से बाकी पक्षादि घटा लेना, पक्ष मास ऋतु अयन वर्ष उनका भी ले लो। दैव वर्ष सहस्राणि द्वादशी व चतुर्युग, और 12,000 वर्ष दैव वर्ष सहस्राणि 12 चतुर्युग होता है, 1,000 देवताओं का वर्ष जो है 12 हमारे मनुष्य का चतुर्युग बराबर हो जाता है। युगानाम सप्तति, और ऐसे 71 जो युग है वह मिल करके एक मनमंत्रम यह उच्चते है। कृताब्द संख्या तस्यांते संधि प्रोक्तो जलप्लव, कृत अब्द संख्या कृत युग का जो अब्द संख्या है उतनी उसके अंत में उसकी संधि प्रोक्त है, संधि काल माना गया जहाँ जल से अप्लव हो जाएगा। ससंदेस्ते मनव कल्पे जेयाश्चतुर्दश, संधियों के सहित देखो ससंदया ते एक कल्प में 14 मनवंतर होता है एक कल्प में। चतुर्युग सहस्रंतु, और चतुर्युग सहस्र एक जो 1,000 चतुर्युग ब्रह्मणो दिन मुच्यते, ये ब्रह्मा का एक दिन हुआ, उत्तरी रात्रि ब्रह्मा का कहेंगे। रात्रिश्च एतावती तस्य, देवता ने तस्य एक वचन बोल ब्रह्मा जी का, बाकी पूर्व में ऐसे नहीं घटा लेना सर्वत्र, केवल यहाँ पर ऐसा होता है। ब्रह्मा जी का जो उत्तरी साल जो है जो उत्तरी साल एक रात्र हो जाता है, माने 1,000 चतुर्युग ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा जी का रात्र भी 1,000 चतुर्युग बराबर है। तस्य ताभ्यम पक्षादि कल्पना, इस तरह ब्रह्मा जी का इस तरह जो निर्णय दिया उसी के द्वारा और उनके पक्षादि की कल्पना करो, ब्रह्मा जी का ब्रह्मा जी का भी पक्षादि साल पर्यंत 100 साल ऐसे जाओ। ब्रह्मण शतवर्षाणी, और जो ब्रह्मा जी के 100 साल है, और महाविष्णु रहस्मृतम, महाविष्णु के दिन दिन हो जाता है।
तस्य वर्ष शतांते उस समय विष्णु का भी 100 साल जब पूरा होता है तब महाप्रलय होता है, ऐसे उनका अपना मत है। आप पूरे संग्रह कर रहे काल लक्षण को सिद्धांत या सिद्धांत के अनुसार बात खत्म होगी उसकी, 100 वर्ष चलेगा। काल लक्षण विभुत्व सती अतीताद व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्वम, विभू होता हुआ अतीताद व्यवहार के असाधारण निमित्त कारण का नाम काल होता है। विभुत्व अनुपाद आने यदि विभुत्व अंश नहीं देंगे तो कंठवा तालवाद्य विघात अतिव्याप्ति अतीतादि व्यवहार अतीत एतार शब्द व्यवहार लूंगा। अतीत ऐसा जो हम शब्द बोलते हैं इसके बोल में क्या होता है, इसमें असाधारण निमित्त कारण कौन है, कंठ तालवाद्य विघात, उसमें लक्षण चला जाएगा। ऐसे विभुत्व कह दो तार्श अभिघात आपके संयोग कैसा रहता है, वो नहीं है परिच्छिन्न है। निमित्त हेतु उपादान है इतना कह दो, फिर विभुत्व सती अतिदात असाधारण तम इतना कह दूंगा, निमित्त हेतु तुम हटा देंगे। तो शब्दात्मक अतीतादि व्यवहार से गगने सत्वाद अतिव्याप्ति, तो शब्दादि जो अतीतादि व्यवहार का जो कारण है उसका भी समय कारण कौन है, आकाश में चला जाएगा। उसका असाधारण कारण लूंगा, निमित्त हटा दिया अब निमित्त कारण हटाओ तो असाधारण कारण लूंगा, असाधारण कारण से क्या लेंगे हम, इसके समवायिक कारण, समवायिक कारण हो जाएगा आकाश, उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। और ईश्वरीय वारण आया ईश्वर अतिव्याप्ति वारण करने के लिए असाधारण क्या है, तो ये तो विभुत्व सती अतिद्यात व्यवहार निमित्त कारणम इतना ही देख कह दूंगा, असाधारण हटा दूंगा ईश्वर में अतिव्याप्ति हो जाएगा। प्राच्य व्यवहारम आदाय दिग्वारणाय अतीताद व्यवहार इति, इतना ही कहूँगा विभुत्व सती व्यवहार असाधारण कारण, अतीतादि नहीं कहूँगा हम प्राच्य व्यवहार ले लूँगा, उसके कारण कौन हो जाएगा दिक, दिक में अतिव्याप्ति हो जाएगी, अतएव अतीतादि भी कहना जरूरी है। काले अतीतत्व, काल में अतीतत्व क्या चीज़ है और काल में अनागतत्व क्या है, तो विचार करके बता रहे काले अतीतत्व नाम वर्तमान कालीन ध्वंसीय प्रतियोगिताश्रय उपाध्यवच्छिन्नत्वम, वर्तमान कालीन जो अनुभव में आ रहा है जिस किसी वस्तु का ध्वंस तारस ध्वंसीय प्रतियोगिता का आश्रय भूता जो उपाधिभूत काल है उस काल का नाम अतीत हो गया। काल में प्रतियोगिता जैसे घटध्वंस है वर्तमान में को घटध्वंस अनुभव में आ रहा है मान लो, तार ध्वंसीय प्रतियोगिता रहेगी घट में, वह घट का आश्रय भूता जो उपाधि थी क्षण आदि जो उपाधि माने गए हैं वो उपाधि अवच्छिन्न काल का नाम अतीत काल हो जाएगा। काले अनागतत्व क्या है, फिर उसी प्रकार से वर्तमान प्रागभाव प्रतियोगित्व इत्यर्थ, वर्तमान कालीन जो अनुभव में आ रहा है प्रागभाव तार प्रागभावीय प्रतियोगिता का आश्रयभूता जो उपाधि है तद अवच्छिन्नत्व ऐसा भाग्य और जोड़ लेना है। वर्तमान में घट प्रागभाव अनुभव है ना, यही घट में अनागतत्व है, अब घट पैदा नहीं हुआ है तो वर्तमान में क्या अनुभव हो रहा है आपको, घट का प्राग भाव में अनुभव हो रहा है, तार से प्राग भाव का उपाधि कौन लेंगे, उत्तर आने वाले क्षणों को लेंगे, इसे तार से उपाध्य वचिन जो उत्तर भावी भावे भविष्य में होने वाला जो क्रिया उपाधि का क्षण है उनको हम क्या कहेंगे, कालगत अनागतत्व। और वर्तमान तो क्या है, फिर शब्द प्रयोग अधिकरणत्व, जो हम शब्द प्रयोग कर रहे हैं इधर शब्द प्रयोग वर्तमान में करते हैं, जो ही शब्द प्रयोग हो रहा है अतीत का भी मतलब नहीं रहा अनागत का भी नहीं है, वो अर्थात शब्द प्रयोग वर्तमान में ही होता है, अतीत में जो हुआ शब्द उस समय वो वर्तमान ही था, जब भी हम शब्द प्रयोग करते हैं वर्तमान ही होगा, वर्तमान में ही स्मरण करूँगा पूर्व का और बोलूँगा वो अतीत शब्द हो गया, नहीं तो अतीत क्या है, इसे हमेशा वर्तमान ही होता है, न अतीत ना अनागत दोनों वास्तव में होता ही नहीं है, यह सापेक्ष कथन मात्र हो रहा है। जैसे आजकल कल आप क्या बोल रहे थे, बीती हुई कल में है आने वाला कल बोल रहे थे, आजकल क्या बोले थे आने वाला कल, कल कहे थे इसको, वो आज हो गया कि नहीं हो गया, जिसको आज आप बोल रहे हो ये कल को क्या हो जाएगा, ये भूत हो जाएगा, इसे वर्तमान ही सत्य है ना, न भूत ना अनागत सापेक्ष कथन मात्र है, वर्तमान को लेकर की अब सापेक्ष कथन कर रहे अतीत और अनागत और कुछ है ही नहीं। शब्द प्रयोग आदि करण विभुत्व सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व, विभुत्व क्या है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व का नाम विभुत्व है।
एवं विभुत्व सति इसी प्रकार से दिक् असमित परत्वा परत्वा असमय कारणत्वम अपि लक्षणं बोध्याम। दिक् असमित परत्वा परत्व कौन हो जाएगा? कालिक परत्वा परत्व। दिक् असमित परत्वा परत्व क्या है? कालिक परत्वा परत्व। उसका जो असमय कारणत्वम माने असमय कारण घटकीभूत काल होता है, इसलिए काल का लक्षण ऐसा भी बना सकते हैं आप। अन्य तो अल्पतर सूर्य परिस्पंद विशिष्ट पिंड ज्ञानम विशेषण विशेष संबंध घट सापेक्षा साक्षात संबंध अभाव सति घटक सापेक्षत्वम साक्षात संबंध अभाव सति विशिष्ट ज्ञानत्वात् लोहित स्फटिकति विशिष्ट ज्ञान विदिते अनुमानेन संबंध घटकतया कालम साधयन्ति इति कालग्रंथः। उनका कहना अनुमान करूँगा अल्पतर सूर्य परिस्पंद विशिष्ट पिंड ज्ञानम। अल्पतर अल्पतम नहीं बोला, मैंने अभी कुछ समय पहले जो उत्पन्न हो रखा है वो क्या होगा? अल्पतर तुरंत में संयोग हुआ है ना, क्योंकि इसलिए ले रहा है निकटतम समय का लेंगे, यहाँ से हम काल को पकड़ लेंगे। इसके अगर हम भूतगण जितने भी थे उन सबको ले लूँगा और आगामी जो अभी तो वस्तु उपस्थिति नहीं है उनको भी ले सकता हूँ। अतीत अनागत में घटाना आसान होता है, वर्तमान काल निकटतम वस्तु जो हमारे अनुभव में आ रहा है उसमें काल को सिद्ध कर दूं। इसे मैं जान के लिया अल्पतर सूर्य परिस्पंद से विशिष्ट जो पिंड है उस पिंड का जो मुझे ज्ञान हुआ है वह ज्ञान कैसा ज्ञान है? विशिष्ट ज्ञान है, कालिक अपरत्व वाला ज्ञान, कालिक अपरत्व ज्ञान है। कालिक परत्व तो लंबे समय वाली हो गई, उसको छोड़ दो, इसीलिए कालिक अपरत्व अभी वर्तमान में अनुभव में आ रहा है हमको। इसलिए अल्पतर सूर्य तपस्या का मतलब क्या? कालिक अपरत्व। लेकिन कालिक अपर शब्द बोल नहीं सकता, क्यों नहीं बोल सकते? अभी काली सिद्ध नहीं हुआ तो कालिक कैसे बोलोगे? काल सिद्ध होगा तब ना कालिक कहूँगा। इसे कालिक शब्द ना प्रयोग करते हुए ये शब्द प्रयोग किया अल्पतर सूर्य तपर संयोग का आश्रय। ऐसा है, ऐसा जो पिंडक ज्ञान है वो ज्ञान कैसा है? कहते हैं विशेषण विशेष संबंध घटक सापेक्षा, विशेषण और विशेष के संबंध घटक किसी तत्व का सापेक्ष है। तत्व कौन है? काल सिद्ध हो जाएगा, मैंने विशेषण विशेष के पीछे कोई ना कोई संबंध मानना पड़ेगा। विशेषण विशेष क्या है यहाँ पर? अल्पतर तूरित पर संयोग, सूर्य पर संयोग और पिंड, इन दोनों के बीच में पिंड का ज्ञान। ज्ञान तो छोड़ो, अभी विशिष्ट ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान हो गया ना, वो विशिष्टांश में क्या बनेगा? पिंड विशेष हो गया और सूर्य पर संयोग विशेष विशेषण हो गया। इन दोनों में घटकी भूता संबंध का घटकी भूता एक तत्व विशेष है कोई, वो तत्व के बिना ये विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता था। एतार्ष पिंड ज्ञान जो है उत्पन्न नहीं हो सकता उस तत्व के बिना, उस तत्व का नाम काल है, ये सिद्ध करना है उन्होंने। सूर्य की क्रिया का संबंध इसके साथ कितने हुआ? थोड़ी देर हुआ, क्रिया मात्र हम देर नहीं बोलूंगा ना, अभी देर काहे से जोड़ रहे हो? तुम जबरदस्ती करते हो, हम क्रिया संबंध जोड़ रहे हैं। भाई अभी क्या विचार हुआ था? एक क्रिया अधिक से चार क्षण तक रहती है, हम ये कहेंगे चार चार आठ चार बारह, तीन क्रिया का संबंध हुई है। तीन क्रिया का संबंध हुई है तो संबंध का घटीभूत काल है, ये सिद्ध करना है मैंने। उसके बाद कहूंगा वो तीन क्रिया क्या थी और क्रिया का प्रभेद क्या है अंतर्गत, तत्क्षण प्रक्रिया थी। अब केवल मैं क्रिया का संबंध जोड़ रहा हूं, क्रिया का संबंध में इसलिए संबंध क्या आया था उसे घटकीभूत वस्तु को देखना क्या है वो तब पूछने पर काल कहूंगा। कौन सा काल था? संज्ञा व्यवहार करनी पड़ेगी, क्षण बोलूंगा, पहले नहीं कहूंगा, पहले केवल क्रिया का पिंड के साथ संबंध। जैसे आदमी दौड़ रहा है, दौड़ने भी क्रिया आदमी में देख रहा हूं, बाद की बात है कितनी देर से दौड़ रहा है या कितनी वेग से दौड़, ये सब बात की बात है। शुरू में क्रिया और पिंड का संबंध मात्र ग्रहण होता है, फिर उसका नियामक दो तीन बातें आती है, एक तो काल, दूसरी दिशा, किस दिशा में दौड़ा और कितने काल में दौड़ा। वर्तमान भी नहीं कह सकते, निकटतम ग्रहण कर लिया उसने,
अतीत हो गया एक तरह से, तीन क्रियाओं से विशिष्ट पिंड को उसने ग्रहण ग्रहण कर लिया है। अब वो सोच रहा है चौथी क्रिया काल में, ये सोच रहा है ये जो मुझे पिंड ज्ञान उत्पन्न हुआ तीन क्रियाओं से विशिष्ट पिंड ज्ञान, वह पिंड ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है। ये तीन क्रियाओं से विशिष्ट बोल ही रहा हूँ, सूर्यतपन क्रिया से विशिष्ट है पिंड, ये जो ज्ञान विशिष्ट में हमेशा बिना संबंध का विशेषण विशेषी का विशिष्ट ज्ञान नहीं हो सकता। तारस विशेषण विशेष के बीच में जो संबंध है वह संबंध का घटक भी कोई ना कोई तत्व है, उस तत्व का नाम काल, ये सिद्ध करना है। वही कहते देखिए अनुमान कर रहा है वो विशेषण और विशेष संबंध जो घटक सापेक्ष है कौन, विशिष्ट ज्ञान। उस घटक के बिना संबंध ज्ञान नहीं होगा, असंबंध ज्ञान नहीं होगा तो विशिष्ट ज्ञान भी नहीं होगा, ये कहने का तात्पर्य उसका। अतएव और फिर कहे संबंध कोई समय ले लो संयोग ले लो, कहते नहीं हो सकता, साक्षात संबंध अभावे सती विशिष्ट ज्ञानत्वात्। साक्षात जो प्रसिद्ध संबंध है आपका तादात्म्य समवाय और संयोग स्वरूप, ये चारों में से कोई नहीं हो सकता। संबंध असत्वे फिर विशिष्ट ज्ञान तो है, हेतु बना दिया उसने। साक्षात संबंध अभावे सती विशिष्ट ज्ञानत्वात्। दृष्टांत क्या दे रहा है, लोहित स्फुटगिति विशिष्ट ज्ञानवद इति अनुमान संबंध घटकतया कालम साधयंती थी केचित अन्य तो मते में इस प्रकार से भी करते हैं। कपड़ा है जो स्फटिकिया है पुष्पियाँ हैं, कोई संयोग संबंध का है वहाँ पर, एक आध्यासिक संबंध परिकल्पना करते हो ना, वैसे मैं काल को मान रहे संबंध का घटक हूँ, अध्यास आप मानो इधर काल कह रहा, इतना ही दृष्टान्त है। संयोग समय से निकर्ष माननी पड़ेगी, स्फटिक का संयोग से निकर्ष हो गया कपड़े से या फूल से, उसमें लोहित है ना, संयुक्त समवाय से निकर्ष माननी पड़ेगी, वहाँ परंपरा संबंध हो जाएगा ना, साक्षात संबंध भी नहीं, ये तो कह रहे साक्षात संबंध अभाव कह दिया ना, इसलिए ये कहता है। अब आइए मूल में दिक् ग्रंथ आरंभ होता है, दूरांतिकादिधि हेतु रेखा नित्यादि गुच्छते, दूरांतिकादिधि हेतु कह दिया, दूर और अंतिक, अंतिक मैंने समीप, आदि मध्य को ले लो, ऐसी बुद्धि ज्ञान का कारणीभूता जो द्रव्य है उसका नाम दिक्कुच्चत है। साच लाघवाद एका नित्याच, और लाघव के दृष्टिकोण से एक और नित्य मानते हैं। वह सूर्य परिस्पंद भी क्रिया को उपाधि माना था, या द्रव्यगत क्रियादियों को भी उपाधि मान लिए थे आपने क्षण प्रक्रिया के लिए, और घटा दिए थे काल को, और यहाँ पर क्या लेंगे उपाधि, क्या होगा, पहाड़ को लेंगे, उदयाचल सन्निहिता है कि नहीं, उसको लेंगे अद्रियों को, उदयाचल का उदय, इसलिए सूर्य का उदय होता है जिस पहाड़ की ओर से, वो उपाधि होता है पूर्व दिशा के लिए। मेरु की सन्निहिता याद, एक मेरु पर्वत जिस तरफ में बताया गया उसके सन्निहित जो हिस्सा है उसको हम उत्तर दिक कहेंगे, तद विपरीत का नाम दक्षिण हो जाता है। इसे मेरु और उदयाचल ये दो को उपाधि बना गया, तद विपरीत हो जाता है पश्चिम और दक्षिण। दूरांतिकादि हेतु रेखा नित्यादि गुच्छते दिग दिशम निरूपयति, दिशा का निरूपण करते दूरांतिकेति, दूरत्वम अंतिकत्वम च दैशिकम परत्वम अपरत्वम बोध्यम। दूरत्व क्या है, दैशिक परत्व है, और अंतिकत्व क्या है, देशिक अपरत्व, ऐसे निश्चय करो। तद बुद्धि असाधारण बीजम, एतादृश परत्व प्रति बुद्धि का असाधारण कारण का नाम ही दिग है, वही असाधारण निमित्त कारण समझना। देशिक परत्व परत्व और असमवाय कारण संयोग आश्रितया लाघवाद एकाधिक सिद्धति इति भावः। देशिक परत्व परत्व का असमवाय कारण की भूत जो संयोग का आश्रय रूपेण हम एक हिस्सा क्या लेंगे, दिशा संयोग का आश्रय, दूसरा संयोग का आश्रय कौन होगा, तत्त वस्तु, तत्त दिशाओं में रहने वाले, लाघवाद वह एकाधिक सिद्धि भाव। ठीक है, पर एकत्व नित्य सिद्ध हो गया और क्या मानने की जरूरत है, लाघवाद एक हो गया, एक कौन से नित्य हो गया, अनेक हो तब तो अनित्य होता है, सीधी सी बात है। नीचे कह रहा है देखो, मुले दूरांतिकादि इदम दूराम इदम अंतिकाम
यदि बुद्धेर असाधारण निमित्तम देखो तिघेव इत्यर्थ साच एक सजातीय प्रतियोगिक भेद शून्य और वह एक है सजातीय प्रतियोगिक भेद शून्य है वह एक है और सजातीय प्रतियोगिक भेद शून्य है कह दिया नित्या एक का मतलब ये सजातीय प्रतियोगी भेद शून्य है नित्या ध्वंस प्रतियोगिनी अथवा प्राग प्रतियोगिनी च स्त्रीलिंग होने से प्रतियोगिनी बोल रहे हैं दिक्पद जन्य बोध विषयत्म दिशो लक्षण दिक का लक्षण क्या करूंगा दिक्पद जन्य बोध विषयत्म दिक्तम विभुत्व सती प्राच्यद व्यवहार असाधारण निमित्त हेतुत्व इत्यपि लक्षणम यह भी लक्षण हो सकता है विभुत्व सती प्राच्यद व्यवहार के असाधारण निमित्त कारण का नाम दिग् होता है जैसे काल का बनाया था अतीत आदि को लेकर वैसे ही है प्राच्यद व्यवहार को यहाँ भी वही शब्द औषधि दूर करेंगे कंठ तालवाद्य विघात वारणाय विभुत्व सती विभुत्वम भी यहाँ पर वही है स्वर्व संयोगित्वाम प्राच्यादीति शब्दात्मक व्यवहार से आकाश सत्वाद तदवारणाय निमित्तेतुत्व ईश्वर वारणाय असाधारण इति अतिदा व्यवहार आदाय काल वारणाय प्राच्यादीति ठीक उसके ऊपर सब घटा दिया एवं इसी प्रकार से दिक् विशेषणता संबंधावच्छिन्न कारणता निर्विध ताजा संबंधावच्छिन्न कारण तत्वमपि दिशो लक्षण भवति दिक् विशेषणता संबंध मैंने दैशिक विशेषणता संबंध नामक संबंध विशेष है दिक् को लेकर जो होता है तार संबंधावच्छिन्न यत्किंचित कारणता हो रही है उस कारण से निरूपित हो तार संबंधावच्छिन्न कारणता आ जाएगी दिक् में मुक्तावल्या दिशम निरूपयति निरूपति का मतलब क्या दिंग निष्ठ विशेषता निरूपक यह लक्षण स्वरूप प्रामाण्यादि प्रकार के ज्ञानम तदनुकूल व्यापारानुकूल कृतिमान ग्रंथकार इति बोधः दिंग निष्ठ जो विशेषता का निरूपक लक्षण है विशेषता निरूपक स्वरूप है विशेषता निरूपक प्रामाण्य है विशेषता उसकी जो प्रभेद आदि हैं आदि कहते इसलिए आदि प्रकार का ज्ञान के अनुकूल व्यापार किसमें है ग्रंथकार में और दर्श व्यापार अनुकूल कृति भी उसी में है इसे व्यापार अनुकूल कृतिमान ग्रंथकार इति बोध हो किम दूरत्म किंचत्र अंतिकत्वम इत्याशंकायाम दूरत्वादि पदार्थम वाह दूरत्म ने देशिक परत्वम अंतिकत्वम ने देशिक परत्वम बोध्यम इत्यर्थ हो तद्बुद्धे बुद्धे नितार्श परत्वापरत बुद्धे यत्किमपि मूर्त द्रव्यम अवधिं कृत्वा इन हमेशा परत्वापरत बुद्धि के लिए पहले किसी को अवधि मानना पड़ेगा यत्किंचित अवधिं कृत्वा मूर्त द्रव्य को अवधि बनाओ कृत्वा एषु केषु चित् मूर्तेषु इदम् अस्मात् परम् इदम् अस्मात् अपरम् इति ज्ञानम् उत्पद्यते से एक ही दिशा में होना का जरूर नहीं विपरीत दिशाओं में अन्य अन्य दिशाओं को लेकर व्यवहार कर सकते हो जैसे अब यहाँ बैठे हैं ऋषिकेश में ऋषिकेश से बद्रीनाथ और ऋषिकेश से ले लो पश्चिम दिशा में चले जाओ दक्षिण दिशा चले जाओ हरिद्वार पश्चिम जाओ तो देहरादून पूर्व जाओ तो नैनीताल कौन कितना दूरी है सबके किलोमीटर लगा आपका से परत पर व्यवहार हो जाएगा नहीं एक ही दिशा को लेकर दृष्टांत देना कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ से बद्रीनाथ है और यहाँ से पीछे देवप्रयाग है एक ही दिशा वाला रूट रास्ता है इसे बद्रीनाथ पर है देवप्रयाग अपर है यही कहना जरूरी नहीं ये भी है दृष्टांत गलत नहीं ये भी सही है ना हमेशा एक ही दिशा में ही लेना चाहिए ये रटंत विद्या ठीक नहीं आप कह सकते हैं बद्रीनाथ की अपेक्षा से देहरादून जो है नज़दीक है देहरादून में दैशिक अपरत्व ऋषिकेश से दृष्टि से जाने में और बद्रीनाथ में देशिक परत्व है ये भी कहा जा सकता है इसलिए कि यत्किंचित मूर्ति द्रव्य ले लो कहीं से कहीं शुरू कर देना आपने ये शुकेशन मूर्तेशो इदम अस्मात् परम इदम अस्माद परमिति ज्ञान प्रत्ये तार्श ज्ञाने परत्वापरत्य निमित्त कारण ये तार्श ज्ञान में परत्व प्रत्य निमित्त कारण होते हैं संयुक्त संयोग भूयस्ताश्रित्वम परत्वम परत्व क्या चीज है संयुक्त संयोग का भूयस्थ हो जाना कि
दिशा के साथ उन मूर्त द्रव्यों का संयोग। इसे पहले जमाने में क्या होता था, हर सड़क के किनारे पेड़ लगाते थे, पेड़ में संख्या देते थे 1, 2, 3 और दूरी का नाप के लिए। हाँ, रेलवे लाइन में क्या होता है, खंभे होते हैं, नंबर देते खंभे पे, मैंने इतना किलोमीटर हो गया, कौन पूरा नापते फिरेगा, यहाँ से डाल दिया स्टेशन पे एक, वहाँ से नापते हुए डाल, एक नंबर में 1 किलोमीटर हो गया, 2 नंबर 2 किलोमीटर हो गया, ऐसे चलता है पूरे सारे व्यापक है, वहाँ से वहाँ नापते जाते हैं, जोड़ते जाते हैं और इतर इतर बोलते जाते हैं, इससे अनेक प्रक्रिया है नापने के ना। करे उतना मूर्त संयोग हुआ, करे का अभिप्राय हमारा ये था 12 मूर्त संयोग कर दिया, खंभा क्या है मूर्त द्रव्य, 12 खंभों के मूर्त संयोग 12 किलोमीटर दूर हो गया, नाप लिया। से मूर्त द्रव्य कुछ ना कुछ कल्पना आपको करनी पड़ी, उनका संयोग विभाग मानना पड़ेगा, तो व्यवस्था से परत्वापरत संयुक्त संयोग का अल्पियत्व आश्रित क्या हो जाएगा, अपरत्व हो जाएगा। परत्वापरत्व प्रतिच काल असाधारण निमित्त कारणम, यह छपा गलत, परत्वापरत्व प्रतिच दिक असाधारणम का निमित्त कारणम इति। यह वर्तमान चल रहा है कौन सा है, देशिक का ना, गलती से काला हो गया, पहले भी काला आ गया, दोबारा यहाँ काला आ गया, काल को काट के दिख ले को दिशा असाधारण निमित्त कारण बीजम ने प्रयोजकम इत्यर्थ। तथा आगे भी और गलती है, इदम परम इदम अप्रमिति प्रत्यय असाधारणम, मैंने कार्य व्याप्य दूरत्वादि धर्मावच्छिन्न कार्यता निर्विध कारणतावान काल एव, यानी होनी चाहिए दिशा एव, निर्दिगेव करना पड़ेगा, दिशा लिखोगे तो विसर्ग लोप हो गया, दिशा ए व अदंत ले लो, दूरांतिकादि हेतु इत्यस्यैव मूले वक्तुम उचितत्वे अपि, इतने कह सकते थे मूलकार कारिका में, दूरांतिकादि हेतु कह देते, एक चकार तो जोड़ना है, धी एक अक्षर कम हो रहा है तो धी क्यों जोड़ा, कारण यह बता रहे हैं, इतना ही कहा जा सकता था वक्तुम उचितत्वे अपि, धी पर्यंत अनुधावनम दार्श विषय के ज्ञान पर्यंत जो इन्होंने क्यों लिया, देशिक परत्वापरत्वय प्रमाणम दर्शय तुम, प्रत्यक्ष प्रमाण दर्शा दर्शा अनुमान अधिकरण जो जरूरत नहीं, इसमें प्रत्यक्ष प्रमाण से सिद्ध है, प्रमाण को दर्शाने के लिए ज्ञान पर्यंत उन्होंने लिखा है, अभिप्राय भाव माह देशिक परत्वापरियोरिति असमवाय कारण संयोग आश्रितया लागवाद एकाधिक सिद्धति इत्यादि मुक्तावली में आया। दृष्टांत समझा रहे, देखिए काशी से शुरू करिए आप, काशी तो गया अपेक्षया कालिकातायाम परत्वम, कालिकाता अपेक्षया च गयायाम अपरत्वम, कोलकाता कालिकातायाम परत्वम, कालिकाता अपेक्षया च गयायाम अपरत्वम, तस्य समवाय कारणम कालिकाता गयाच्च, समय कौन कौन होगा, संयोग का आश्रय कालिकाता और गया होगा, वे कहाँ की अपेक्षा से, काशी तो काशी की अपेक्षा से, उसे कोई मतलब नहीं अभी हमें, वो तो उत्तर पश्चिम पूर्व पश्चिम के लिए या परत्व अपरत्व की चर्चा हो रही है, भाई काशी से गया में अपरत्व है, काशी से कालिकाता में परत्व है, काशी से ना दृष्टान्त दे रहे ना, परत्वापरत का दृष्टान्त है, अभी हम उत्तर दक्षिण की चर्चा ही नहीं कर रहे हैं यहाँ पर, परत्वापरत को लेकर के दिक को पहले सिद्ध करो, बाद में दिक्कत जब प्रभेद का विचार आगे कार्यक्रम में आएगी तब विचार करें पूर्व पश्चिम का कौवा उपाधि कौन होगा तब पूछेंगे, ये कह दे, इसलिए कालिकाता गया असमय कारणम दिग गया संयोग दिक कालिकाता संयोगश्च, ये असमय कारण हो जाएगा संयोग, उस संयोग आश्रय दो हो गए ना, कालिकाता और दिग गया और दिग काशी और दिग, ये हो जाएंगे, तद आश्रय एकस्तु गया कालिकाता वा, एक को या तो गया लो या तो कालिकाता लो, द्वितीयस्तु दिगे वा, उस समय का आश्रय दूसरा कौन होगा, दिग हो जाएगा, इस प्रकार से दिग स्वतः अनुभव से सिद्ध हो जाता है, काशी और गया दोनों अप्रत्यय समय कारण का, काशी के साथ संयोग हुआ आपका पहले, फिर गया के साथ संयोग, यहाँ से यहाँ गए आप, वहाँ से कलकत्ता गए, इधर से सीधे कलकत्ता भी जाएंगे दोबारा, तो आपको पता लग जाता है कितने दूर कौन सा क्या है,
से दोनों को ही संयुक्त आश्रय माने जा सके, लेकिन अपरत्व जब लेंगे काशी की नहीं लेंगे, समय का काशी तो अवधि हो गई, ये अपर नहीं है। अपर कौन है? यहाँ के पेशे गया अपर है, कोलकाता की पेशे से कालिकात में परत्व और गया में अपरत्व आया, उनके आश्रय में पूछ रहे, वहाँ जो संयुक्त आश्रय काशी नहीं बन पाएगा, यदि अवधि बोधक मात्र होता है। इसे काशीता करके पहले पंचमी लिया उन्होंने, न च पृथ्वीपिंड संयोग से नहीं अनुमानंतु देशिक परत्वापरत्व, अनुमान क्या करोगे? देशिक परत्वापरत्व पक्ष असमवाय कारण संयोग जन्य, असमवाय कारणभूत संयोग जन्य तार संयोग घटक कौन है? दिक। तार संयोग घटक कौन होगा? एक दिक एक गया, अतः दिक और कालिका था दृष्टांत में। भावत्व स्थिति कार्यत्वाद घटवदिति, भाव होता हुआ कार्य होने के नाते घट के समान, जैसे घट भी गया कपाल द्वय संयुक्त आश्रय है, इसे संयुक्त आश्रय कौन होगा? दोनों कपाल होंगे। भाई पर अपरत्व क्या है? परत्व क्या है मुझे बताओ पहले। गुण है, गुण रहेगा तो कोई समवाय कारण होना चाहिए ना। अब ये पूछ रहा हूँ, अपरत्व का आपने निर्णय लिया गया में, गया द्रव्य है ना, इसे अपरत्व समय कारण कौन हुआ? गया। परत्व का कालिका था, सीधी सी बात है, वह समय कारण हो गए, उसमें संयोग रह रहा है किसका? दिक का संयोग। इसे दिक और गया का संयोग, कालिका था और दिक का संयोग हुआ। यदि संयोग में एक संयोग का समय कारण गया होने से उसे अपरत्व और दूसरे संयोग का समय कारण कालिका तो उनसे काशी के अवधि के दृष्टिकोण से उसे परत्व आया, ये इनका कहना है। संयोग तो असमय कारण हुआ ना, सीधी सी बात है, घटवत्त इसलिए तो बोल रहे हैं। न च पृथ्वीपिंड संयोग से समय कारण तुम कल्पिता, अजय सारी चाहे सारा संसार पृथ्वी पर ही तो है, ये पृथ्वीपिंड संयोग मान लो, इसको क्यों क्यों आप विशेष संज्ञा ले रहे, गया कालिका तो ये फालतू क्यों पढ़ रहे हैं? पृथ्वी और पिंड कदा ऐसा नहीं हो सकता, कारण कल्पिताम तथा च न दिक सिद्धिर इति न च वाच्यम, पर दिक की सिद्धि की जरूरत नहीं रह जाती है, अलग द्रव्यमान की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मत कहो। पृथ्वी असंयुक्त पदार्थे भी देशिक परत्वादिर उत्पादात, पृथ्वी से असंयुक्त जो पदार्थ है वहाँ पर भी तो परत्वापरत्व व्यवहार होगा कि नहीं होगा? सूर्य चंद्र आदि में भी होता है, विमान पहले पुष्प विमान आए थे, आज आज आधुनिक विमान ही ले लो, वहाँ पक्षियाँ उड़ रहे हैं, वहाँ का पृथ्वी का संयोग हो रहा है, वहाँ परत्वापरत्व व्यवहार होगा कि नहीं होगा? वो पक्षी उतर दूर में दिख रहे, पक्षी नज़दीक में दिख रहे, आकाश में है उनका संयोग, पृथ्वी का संयोग है ही नहीं। इसे अनेकों दृष्टांत लिया जा सकता है, कूड़ा करकट आकाश उड़ते हैं, पतंग आकाश उड़ रहा है, ये सब कहाँ है वहाँ पर पृथ्वी का संयोग? नहीं नहीं, आदमी सिर्फ संयोग है ना, पतंग का संयोग नहीं है ना, पतंग का आकाश में संयोग है, पृथ्वी के साथ का संयोग है। और जब परंपरा संबंध कहोगे धागा से आदमी, आदमी से पृथ्वी पे, तो परंपरा हम साक्षात संबंध की बात संयोग की बात कर रहे हैं। हाँ, एक पतंग याद दिख रहा है, एक पतंग वहाँ दिख रहा है, एक पतंग वहाँ दिख रहा है, आपको आंख से पता लगता है वो दूर है, छोटा हो गया पक्षी उड़ते उड़ते, ये दोपड़ा दिख रहा है, परत्वापरत्वर हो जाएगा वहाँ पर भी। इसे कहते देशिक परत्वादेर उत्पादात तत्र व्यभिचारात, वहाँ व्यभिचार हो जाएगा यदि आप प्रतिपिंड संयोग को असमय कांड मने लगोगे तो। ननु तथापि आकाश काल आत्म मनो अन्यतमेन सह गया संयोग से समय कारण तुम कल्पिता, फिर भी आकाश अभी आप सिद्ध कराए काल उन्हीं को मानो, ये आत्मा को मान लो, व्यापक वो भी है या मन को ही मान लो, इन्हीं चार द्रव्य में अंतर्भाव कर दो ना, दिक एक पृथक द्रव्य क्यों मान रहे हो? पूर्व पक्षी कहता है कि आकाश कार्तिकादियों काल आत्मा और मन को ही मानिए, अन्यत्य मैंने सह गयादि संयोग से तद असमय कारण तुम कल्पिता, किम दिक संयोग से कल्पनया, इसे परत्वापरत का समय कारण इनको मान लीजिए, इतता लाघवाद एकाधिक सिद्ध्यति इति। आकाश कालाभ्याम गयादि संयोग से तथात्व जीवात्म भी प्रत्येकम विनिगमना विरहात, आत्मन सोस्तो अनंतत्वात् न तथात्वम्। आकाश कालाभ्याम गयादि संयोग से तथात्व समान है, आकाश का
गया संयोग हो, आकाश जो है कालिका तक संयोग में कोई अंतर हमें नहीं दिखेगा, व्यापक आकाश का संयोग में दूरत्व प्रत्यवहार नहीं कर पाओगे आप। मूर्त रूप संयोग की गिनती होगी ना, हम यहाँ से क्या काशी से कितने मूर्त रूप संयोग हुआ वो गिन रहा हूँ, उधर कितने मूर्त संयोग हुआ वो गिन रहा हूँ, इन्हें आकाश में संभव नहीं। इसलिए कहते देखो आकाश और काल इन दोनों ही में आप नहीं ले जा सकते हो, क्यों वह असंभव है। गयाज संयोगस्य तथात्वे और जीवात्म प्रत्येकम विनिगमना विराज्य, और जीवात्मा जी का लोग है उसे प्रत्येक संबंध का भी कोई विनिगमना नहीं। किस जीवात्मा का लोग है? अनंत जीवात्मा है, किसके संयोग को वहां मानेंगे? अब गया में भी शहर में एक आदमी इधर एक आदमी उधर है, कौन कहाँ कहाँ कौन कहाँ है, किसको लेकर व्यवहार कर पाएंगे आप? क्योंकि जीवात्मा एक है। और कहते मन को लो वो भी अनंत है, और केवल आत्मा शब्द से लो वो भी अनंत है। नहीं अलग से भी कह रहे दोबारा, एक तो जीवात्मा के साथ जो है सापेक्षता नियत नहीं हो पाएगा, नियत जीव नहीं ले पाओगे, और सामान्य जीवात्मा सामान्य लोग है वो तो अनंत हो जाएगा, अनंतों का संयोग कैसे मानेंगे हम? इसलिए सब पक्ष संभव नहीं। आत्मा न सोच तो अनंतत्वात् न तथात्व, किंतु लाघवाद अतिरिक्तादिगेव तथात्व कल्प्यते इति भावः एवं अनुमानांतरम अभी, फिर एक और भी अनुमान मैं कर सकता हूँ, इदम दूरम इदम अंतिकम इति प्रत्यय ज्ञान है, विशिष्ट ज्ञान। जैसे पहले कि इति विशिष्ट ज्ञानम पृथिव्यादि अष्ट द्रव्य अतिरिक्त द्रव्य संबंध प्रयुक्त हो, पृथ्वी आदि अष्ट द्रव्य से अतिरिक्त द्रव्य का संबंध से युक्त है। परत्वा परत्व हेतुत्व कत्वात् परत्वा परत्व का कारण होने के कारण से काल का परत्वा परत्वद परत्वा परत्व बनाना है इसको, कि दोनों लिया ना वहाँ पर हमने हनुमान में पहले, इसलिए पक्ष में दोनों लिया तो यहाँ भी दोनों लेना पड़ेगा। काल को परत्वा परत्वद इति अत्र यह द्रव्य से संबंध प्रयुक्त प्रत्यसा दिख, जिस द्रव्य के संबंध को लेकर के एताश प्रत्युत्पन्न हो रहा है उस द्रव्य का नाम हम रखते हैं दिक्। द्वयोर द्वोरांतिक द्रव्य संबंधस्तो स्वसमय संयुक्त संयोग आख्या, दो जो है दूरांतिक द्रव्यों का संबंध जो होगा वह स्वसमय संयुक्त संयोग से लेना पड़ेगा। स्वसमय संयुक्त संयोग आख्या हो कैसे घटाओगे? स्वम मने बहुतर संयोगा अल्पतर संयोगाश्च, बहुतर संयोग या अल्पतर संयोग, जैसे हम ले रहे थे अनेकों पेड़ लगा दिए, पेड़ों का संयोग ले लिया, खंभों का संयोग ले लिया, कोई और चीज का संयोग लेंगे तो अल्पतर और बहुतर संयोग हो गया। तत्समवाय कौन है? तत्तन मूर्त द्रव्यम, जो कौन है मूर्त द्रव्य? गया आदि, तत्संयुक्त हो गया दिक, तत्संयोग कालिकतादौ इति, कालिकतादि विशेषों को ले लिया इति बोध्याम।